दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्टूडेंट जो अभी लड़का दौड़ धूप ये सब करता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ है देख लीजिए। चना, अंजीर, ठीक है। इसमें देखें तो चना है, अखरोट है, ये सब कुछ कुछ मिला हुआ है, काजू किशमिश, काजू बादाम, इधर ये है, ये है, ये। ओके, ये सभी को मिक्सर मांग के लाए हैं नीचे। अब सभी को यहाँ ग्राइंड करेंगे। गाइस, तो इस तरह से सबका मिक्स कर दिए, और यानी कि सब मेन मेन हो गया। ये है, ये तो कढ़ाई में डाल करके मेन कर देंगे। कढ़ाई में घी डालेंगे, इसको हल्का सा भून देंगे। उसके बाद 100 ग्राम इतनी मीठा गुड़, भुनिया का तावड़ा अच्छा लगे, घी इसमें डाल दिया। अब इसको इसमें डाल के जब तक ये ब्राउन न होगा जब तक इसको चलाते रहना हल्का फ्लेम पे। अब देख सकते हैं इसमें कलर कैसा हो गया, लग रहा ना ब्राउन की तरह। अब इसे निकाल लेंगे, तब 5-7 मिनट भून लिए हैं, मतलब सत्तू का कलर हो जाना चाहिए लाल। हाँ, देख सकते हैं, है ना, मजा आ गया। दोस्तों, घी मेरा खत्म हो गया, तब इसको डायरेक्ट ऐसे ही डाल के देखते हैं, ट्राई करते हैं। बस 100 ग्राम गुड़ कूचना, ठीक है, कूच के इसको मिला लेंगे। इसमें गुड़ डालेंगे, उसको भी कूचेगा, ये डालिएगा ना तो ऑटोमेटिक पिघलने लगेगा, देख सकते हैं। मगर ज़्यादा देरी नहीं, इसको तुरंत पिघलाना, क्योंकि फिर ये रसना ऐसी बन जाएगा, चाशनी नहीं बनाना है चाशनी। इस तरह से हो गया। अब इसमें ये डालेंगे फान लिया, जो कि इस तरह से तैयार हो गया। और ये चलाने में काफ़ी दिक्कत होता है, थोड़ा सा ध्यान दे के करना होता है। दोस्तों, ये तैयार हो चुका है, अब इसे खा सकते हैं। मगर ये अभी सुसुम है, अगर आप चाहें तो इसे लड्डू भी बना सकते हैं। अब लड्डू बना करके रखते हैं, तो इसके लिए देख गर्म में ही आपको लड्डू बनेगा, तो वो हम आप बना कर सुसु सुसु कर रहा, जलता जलेगा मगर मजा आएगा वही है। अभी देख सकते हैं, अभी मुलायम है, सट गया, मस्त झकास वाला लड्डू बन गया, एक बन गया। फटाफट ऐसे ही बनाते हैं सब, अपने तो खाना ही है। हाँ, जलता यो जोर से दाबते हैं, देख सकते हैं हाथ के समय लाल लाल हो गया ना, जलता है। मगर ये कि बड़ा फटफट बनता, देख सकते हैं, दो दो चार छः को बना दिए। इसको लेंगे इसे ऐसे लेके इसे दाबे। अभी कोई दूसरा के काम करते ना तो इतना चीड़ भरता मारते दूसरा के, मारता 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 पे इतना लहर रहा है हाथ, ओकर बाद भी लड्डू बन के तैयार हुआ, क्योंकि अपना खाना। समझ रहे ना, अपना काम यानी कि अपना होता, किसी भी परिस्थिति में आप कर सकते हैं, जैसे अभी हम कर कहा इसे इतना बना लिया। हाँ, जलता है, इसीलिए रुक रुक बना रहे। दोस्तों, पूरा सब रह गया है, बाकी हो गया, इतना लड्डू तैयार हो गया। हाथ देख सकते हैं लाल लाल हो गया। गाइस, हाथ अगर लाल करना है तभी लड्डू बनाना, जानते हो इसका रीजन है ना, कि हल्का हल्का गर्म रहता है ना तभी सटता है, नहीं तो नहीं सट पाता। देखिए अभी टूट टूट गया है दो, इसको एक बार और आधा करते करते ठंडा किया था, और फिर से इसको हल्का 2 मिनट के बाद उतार दी, और फिर ला के फिर बना, ठंडा गया मगर ये नहीं हुआ, तब छोड़ देंगे। इतना तो खास खाने तो है यार, अभी ऐसे बना के खाएं या ऐसे खाएं लड्डू बना के। लड्डू के अपना 2-4-5 दिन 15 दिन तक आराम से चलेगा, तो दूध को भी खाएंगे डेली 1-1.5 सप्ताह, इसीलिए बना लेते हैं। दोस्तों, इस तरह से छिमकिन से झाँक दिए, ये कट होती है छोटा सा, अब इसमें करके इसे रख देंगे, डिब्बा नहीं है, इसे रख देंगे फ्रिज। यहाँ रखा गया, यहाँ पर रहेगा ना तो याद भी रहेगा, कभी कि जब आवेंगे रूम पे इसको देखेंगे, निकालेंगे, एक दो को खाएंगे। सुबह में हम नहीं खा पाते हैं, तो दोपहर में आते हैं लंच के लिए, तो उस टाइम निकाल के खा लेते हैं। हाँ,